फोर्थ वन, फोर्थ की बात करेंगे, थर्ड टाइप के रेजोनेंस डिस्कस कर चुके थे, फोर्थ टाइप के रेजोनेंस की बात करेंगे। थर्ड कंजुगेशन सिस्टम क्या बताया था, याद है सबको? थर्ड कंजुगेटिंग सिस्टम डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी। अब जो फोर्थ टाइप है हमारा कौन सा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ, कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड। तो अब जो है टाइप फोर में डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड का जब हम रेजोनेंस करेंगे तो इनका कैसे रेजोनेंस होगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ब्यूटाडाइईन ले रहा हूं, ये अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अगर कोई रहता है तो वहां पे इसको कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बोला जाता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, जहां रेजोनेंस होगा उसको कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बोला जाता है। तो ये डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, किसी भी एक साइड के डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को आइदर मैं इधर से स्टार्ट करूं या इधर से, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा, यहाँ वैलेंसी ज्यादा, तुरंत क्या करेगा ये बॉन्ड तोड़ेगा और ये तोड़ के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, राइट। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये कार्बन ने ओवरऑल क्या हुआ, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हुआ क्या स्टूडेंट, CH2 प्लस हो जाएगा और यहां CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब टोटल कितने रेजोनेंस दिख रहे हैं हमें, एक और ये दो, और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है यहां पे, स्ट्रक्चर देख के बताइए, नहीं। तो देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टू। अब इनके अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टूडेंट, CH2 CH CH CH2, गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे ये पाई बॉन्ड, समझ में आ रहा है, इस तरह से ये रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा और ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं ले बॉन्ड नाइन का एग्जाम्पल ले रहा हूं इस तरह से, अब मैं आपसे पूछूं कि यहां टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो क्या होगा, थ्री, दो डबल बॉन्ड थे तो दो, तीन में तीन, कैसे, अगर ये पाई बॉन्ड को इधर लेके जाओ तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा इधर इस कार्बन पे माइनस, स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए क्या होगा, ये माइनस इधर पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे माइनस, यहाँ निगेटिव और इधर पॉजिटिव। अच्छा, डबल बॉन्ड अगर कंजुगेटेड में है, जरूरी नहीं कि हमेशा मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, राइट साइड से भी ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं, कोई भी साइड से आप रेजोनेंस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर इस साइड से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, थ्री आर एस, मतलब थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अल्कीन और ये अल्कीन में कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे सेकेंड, रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज दी सेकेंड, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसा रिंग ले लू मैं, इस
इसका रेजोनेंस ड्रॉ करने को बोलू, क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। सर इसको इधर लेके आया तो ये इस कार्बन पे निकल गया। यहां पे स्टूडेंट पाई बॉन्ड, ये कार्बन प्लस और ये यहां पे हो जाएगा माइनस, इधर डबल बॉन्ड और इधर भी डबल। आगे रेजोनेंस ड्रॉ कर पाएंगे? आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, कर पाएंगे या नहीं? टोटल कितने आरएस बनेंगे यहाँ पे? चार बनेंगे, तो फोर आरएस। हाउ मेनी आरएस? फोर आरएस। ये समझा आपको? तो नंबर ऑफ आरएस बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मोर नंबर ऑफ आरएस मोर इज दी स्टेबिलिटी, मोर नंबर ऑफ आरएस मोर इज दी स्टेबिलिटी। ये टाइप फोर था। अगर मैं फिफ्थ टाइप की बात करूं रेजोनेंस में, पांचवा टाइप क्या था याद है? कोई बताएगा मुझे? डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी कौन सा? तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी लोन पेयर। डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी लोन पेयर, डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी लोन पेयर। अब यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक एग्जांपल ले लिया। ऑक्सीजन के पास अगर दो बॉन्ड है तो कितने लोन पेयर होते? दो। समझ में आया? कार्बन चार बॉन्ड में है तो कोई लोन पेयर नहीं होता। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक होते हैं, हाइड्रोजन के पास तीन होते हैं। ये पढ़ा हुआ है हमने, रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर में, किसकी वैलेंसी कितनी, किसका लोन पेयर कितना। तो अब क्या करना है, यहां रेजोनेंस कैसा होगा कोई बताएगा? यहां अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस कैसा होगा? लोन पेयर से जाएगा या डबल बॉन्ड से जाएगा? लोन पेयर से। तो ये होगा कैसा, ये इधर इस तरह से, फिर ये पाई बॉन्ड इधर। समझ आ रहा आपको? अब होगा क्या स्टूडेंट, ये सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, यहाँ एक लोन पेयर वैसे का वैसे। समझ में आ रहा है आपको? ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, कितने बन गए? दो। तो जब भी कभी लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट किए गए रहेंगे तो डबल बॉन्ड है, कंजुगेटिंग सिस्टम है, तो लोन पेयर हम उस कंजुगेटिंग सिस्टम को दे देंगे और उनका इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट हो जाएगा रेजोनेंस। समझा? यहां दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं एक कंजुगेटिंग सिस्टम ले रहा हूं जो फेनॉल है, इसी ओएच का बेंजीन से कनेक्शन करा दिया। समझना? अगर मैं खाली बेंजीन की बात करूं यहां पे तो बेंजीन के कितने रेजोनेंस होंगे कोई बताएगा? ये बेंजीन है राइट, फोर्थ वाला एग्जांपल, डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी डबल बॉन्ड का है। ये बेंजीन है, यहां क्या करेंगे, जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आया ना तो ये पाई बॉन्ड इधर, और ये जब प्लस हुआ था ना तो ये इधर आ गया। समझा? पूरा बॉन्ड घूम गया, तो ये क्या हो जाएंगे, यहां कोई चार्ज नहीं बनने वाला। तो बेंजीन के ना दो रेजोनेंस होते हैं, कितने? दो। और कोई पॉसिबिलिटी है फिर से घुमाएंगे तो ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर बेंजीन के ऊपर OH आता है तो इसके कितने रेजोनेंस बनेंगे, कितने बनने चाहिए? बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर कोई लोन पेयर वाला कोई भी ग्रुप ले लूं, मैं NH2 ले लूं, चलो मैं यहां पे अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेंजीन के ऊपर मैं कोई ऐसा ग्रुप ले लूं जो लोन पेयर वाला है तो कैसा रेजोनेंस देंगे? ऐसा सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बोलो जरा।
ये सबके रिजल्ट ड्रॉ करने हैं हमें, कौन कर सकता है? सबसे पहले ये कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेरा सवाल समझ में आ रहा है आपको? कितने रेजोनेंस बनेंगे बताइए जरा। कोई बता नहीं पाया अभी तक, कोई एक तो सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट? कितने बन रहे हैं? चार। और कोई ट्राई करेगा? हाउ मेनी रेजोनेंस? 3, 4, 5, 6। ध्यान देंगे, ये लोन पेयर इधर क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इधर क्या करेगा? निगेटिव चार्ज। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो लोन पेयर यहाँ डोनेट हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन क्या हो गया? प्लस। और ये जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया ना, ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे क्या हो जाएगा? माइनस। समझा आपको? डबल बॉन्ड OH, इधर प्लस एक लोन पेयर और यहां पे माइनस, बाकी ये इस तरह से। अब कुछ कनेक्ट हो रहे हैं? प्रीवियस लेक्चर कोई चार्ज बना था प्लस या माइनस वाला, उस चार्ज को हमने क्या किया था? घुमाया था, रोटेट किया था। ये निगेटिव इधर क्या करेगा? डबल बॉन्ड। निगेटिव आया मतलब क्या होता है? एक लोन पेयर है तो ये निगेटिव इधर ऐसा, ये पाई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मत घुमाने लगना क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो ध्यान में रखना। क्या भरोसा पता चला? घुमाने की आदत है, घुमाई दिए। घुमाने में तो हम एक्सपर्ट ही है ना। अब क्या होगा? ये वाला निगेटिव इधर पाई बॉन्ड ना, और ये पाई बॉन्ड टूट के उधर क्या हो जाएगा? अच्छा, आप हर रेजोनेंस में वो डायरेक्शन दिखाएंगे, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो डायरेक्शन दिखाना इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर आपको मैंने यहाँ डायरेक्शन दिखाया है तो आपने सपोज थोड़ा बहुत नहीं भी ध्यान दिया तो भी ये डायरेक्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है यहाँ पे। तो ये निगेटिव इधर डबल बॉन्ड बनाया, अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे निगेटिव आ गया, होगा क्या स्टूडेंट? फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, यहाँ ऐसा नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लोन। अब जो नेक्स्ट वाला रेजोनेंस बनेगा वो कैसा होगा सोचो जरा। ये नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहाँ पे माइनस। अब क्या होगा जरा बताओ? यहाँ प्लस है, माइनस आया, प्लस और माइनस और माइनस आते हैं तो एक लोन पेयर लेके आता ना, तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे? ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल स्ट्रक्चर विद टू लोन पेयर। सो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? टोटल कितने बने? 5। यहां पे अगर कोई ग्रुप है और वो ग्रुप अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप है और वो ग्रुप बेंजीन से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है और बाकी कोई ग्रुप नहीं है तो 5 रेजोनेंस तो बने गए, मिनिमम 5, मैक्सिमम और भी बन सकता है। कब? जब मैं यहाँ कोई ग्रुप अटैच करा दू, समझ में? जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन लिया था पॉजिटिव चार्ज वाला, नीचे भी ग्रुप, तो अगर कोई ग्रुप नहीं है नॉर्मल कंडीशन में ये कितने बनाएंगे? 5। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। समझ में आ रहा है? अब ये चाहे OH वाला ग्रुप हो या फिर चाहे NH2 वाला ग्रुप हो या फिर OCH3 या फिर आप O- ले लो, यहाँ पे भी लोन पेयर है, समझ में आ रहा है? तो ये निगेटिव इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो, इसका एक स्ट्रक्चर बता। ये सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये क्या डोनेट कर रहा है जरा देखो, ये यहां से माइनस ना, ये माइनस इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस और माइनस क्या हो गया? समझ में
में आ रहा है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो जरा, ये समझ में आया? अब क्या करेंगे, निगेटिव को घुमाते रहेंगे, लास्ट में यहां निगेटिव आएगा, फिर क्या करेंगे, वो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड वहां पे निगेटिव। ये समझ में आ रहा है? ऐसे पांचों रेजोनेंस ड्रॉ करना है, कर पाएंगे क्या हम? अगर मैं इस NH2 की बात करूं, इसका रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करेंगे? ये लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड इधर आया, अब यहाँ क्या हो गया? निगेटिव। इसके कितने रेजोनेंस? पांच। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पांच। समझ में आ रहा है? अब इसका भी रेजोनेंस पांच है, इसके भी रेजोनेंस पांच ही है, ध्यान देना जरा, आगे इनका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा मैं। इधर भी आप ड्रॉ करेंगे, कितने रेजोनेंस होगा? पांच। हाउ मेनी रेजोनेंस? पांच। समझ में आ रहा है? ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन प्लस, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बन माइनस। लॉजिक सबके लिए सेम यूज कर रहा हूं मैं, पर ये आप एक कॉमन चीजें देखेंगे कि मैंने उन्हीं एग्जांपल को लिया है जिस ग्रुप के पास लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। समझ में आ रहा है आपको? बिना लोन पेयर वाला ग्रुप यहाँ पे लिया है क्या? नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? इन सबके कितने रेजोनेंस बनेंगे? तो आंसर आएगा 5। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। ये समझा आपको? तो अगर लोन पेयर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, उसका रेजोनेंस करना है, तो हम कर सकते हैं। नॉर्मल अगर कोई स्ट्रक्चर ले लूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे NH2, ऐसा ले लूं मैं, अब यहां बोलूं कितने रेजोनेंस होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पहले लोन पेयर इधर आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटा इधर माइनस, समझ में आ रहा है? फिर ये माइनस इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, कितने रेजोनेंस हुए? 3। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3। समझा आपको? तो इसके 3 RS, हाउ मेनी RS? 3 RS। ड्रॉ करना है हमें, कर सकते हैं? रेजोनेंस बहुत इजी पार्ट है। 6 वाले नंबर की बात करूंगा मैं, एक बार पूरे टाइप को पढ़ा दे रहा हूं, ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 6, यहीं पे ये जो इस ग्रुप को मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपका कंजुगेटिंग सिस्टम है, ये भी कंजुगेटिंग सिस्टम है, समझ में आ रहा है? इसी एग्जांपल को आगे मैं फिर से पढ़ाऊंगा मेसोमेरिक में, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक, राइट? तो मेसोमेरिक यही है, इसी इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, पर मैं इसको और लास्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज अ मेसोमेरिक। पहले हम रेजोनेंस के पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप ले लूं कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ, डबल बॉन्ड के सब चेंज हो गया ना, सॉरी, डबल बॉन्ड का सिस्टम पूरा खत्म हो गया। अभी जो रहेगा हमारा 6-1 ना, 6-1 में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन वे, कंजुगेशन वे लोन पेयर, कंजुगेशन वे लोन पेयर, ये 6 टाइप है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले सिस्टम मैंने सब खत्म कर दिया, तो कुछ बचा नहीं है। डबल बॉन्ड कंजुगेशन वे लोन पेयर, डबल बॉन्ड सॉरी पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन विद लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद लोन पेयर था, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन विद लोन पेयर। अब ये जो 6 टाइप है, ये कैसे एग्जांपल आपको दिए जाएंगे उसकी बात करते हैं। ये CH3 है, यहां CH पॉजिटिव है, इधर ऐसा OH ग्रुप दे दिया था और आपसे पूछे कि क्या यहां रेजोनेंस होगा, आप क्या बोलेंगे? आया ना, तो पहले आप देखेंगे वो सिस्टम को याद रखेंगे, कंजुगेटिंग सिस्टम में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, हमने क्या पढ़ा है? पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन मतलब एडजेसेंट पे, तो ये दोनों एडजेसेंट पे है ना, तो रेजोनेंस होगा या नहीं? होगा। कैसे होगा स्टूडेंट? ये लोन पेयर इसको यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा,
अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3CH OH+, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट ये दोनों रेजोनेटिंग में कौन सा वाला स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, विच वन आर मोस्ट स्टेबल, वाई सेकेंड, सेकेंड में न्यूट्रल का है, प्लस नहीं दिख रहा आपको, विच वन आर मोस्ट स्टेबल, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, एक ये और एक ये, दोनों में कौन स्टेबल है और क्यों स्टेबल है, एनीवन? इफ यू रिमेंबर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, पॉइंट लिख के दिया है मैंने, क्या स्टेबिलिटी ऑफ आरएस का क्या पॉइंट है, ये आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, अब इसके लिए कौन सा पॉइंट फॉलो करना है हमें, जरा यहाँ पे कार्बोकेटायन देखिए, इस कार्बोकेटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, जितने भी कार्बोकेटायन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, हाइड्रोजन का एक तीन बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, हाउ मेनी बॉन्ड, थ्री, थ्री बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, इधर देखिए इस कार्बन पे एक और इधर दो, तीन हो गए, हाइड्रोजन एक, चार, ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन में क्या है, ये दो बॉन्ड एक हाइड्रोजन का, तीन बॉन्ड और एक तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर भी है, कितने हो गए, एट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट, पॉइंट क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल देन इनकंप्लीट ऑक्टेट, तो आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोस्ट स्टेबल, सेकेंड, फर्स्ट वन आर लेस स्टेबल, समझा आपको, ये पॉइंट याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, तो अगर मैं यहीं पे स्टेबिलिटी पूछ लूं आपसे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, टू इज मोस्ट स्टेबल देन वन, टू इज मोस्ट स्टेबल देन वन, रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट, क्या लिखेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट, और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पहले तो मैं ऑक्टेट रूल ही अप्लाई करूंगा ना, ईएन रूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं यही गलती से ईएन अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, कार्बन पे प्लस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव मोर स्टेबल, कौन बोलता है, ईएन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज लेस स्टेबल, ये कौन बोलता है, ईएन रूल, अगर आपने ईएन रूल को अप्लाई किया तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल ये कम, बट मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके बाद गेटिंग माय पॉइंट, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, ऑक्टेट रूल को, उसके बाद ईएन, ये समझ में आ रहा है, सेकेंड एग्जांपल की बात करो, अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी भी बताते चल रहा हूं, ध्यान देंगे, ऐसा कोई ग्रुप ले लें, क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस करें तो कितने रेजोनेंस बनेगा पता है, एक तो ये है, ये लोन पेयर ऐसा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इधर ध्यान दूंगा, अगर मैं इसके लोन पेयर को पार्टिसिपेट करूं तो NH2 ऐसे ही CH डबल बॉन्ड OH, इधर प्लस इधर लोन पेयर, हाउ मेनी रेजोनेंस, थ्री, इसको वन माना, इसको टू माना और इसको थ्री माना, ये समझ में आ रहा है आपको, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब यहीं पे मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछ रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ RS बताइए, कौन सा स्टेबिलिटी, कौन सा RS ज्यादा स्टेबल है, क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं, एनीवन, थर्ड ज्यादा स्टेबल है, क्यों,
ऑक्टेट तो मेरा सेकंड का भी कंप्लीट है। अब ध्यान देंगे, ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट लिख दूं मैं, कंप्लीट ऑक्टेट राइट, और यहाँ पे भी कंप्लीट, ये क्या है इनकम्प्लीट, इसका इनकम्प्लीट है, ये दोनों का कंप्लीट है। अब ये तो सबसे लास्ट में आएगा बच्चे, ये दोनों, अब इन दोनों में क्या देखना है, नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे प्लस, क्या देखना है फिर EN रूल, दोनों का ऑक्टेट सेम ना, अब क्या कंपेयर करेंगे EN, EN क्या बोलता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और मोर नेगेटिव पे नेगेटिव, तो यहाँ नाइट्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन है, कौन ज्यादा नेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ये वाला लेस स्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल, तो क्या लिखेंगे, 3 इज मोर स्टेबल देन 2 देन 1, सबको ये स्टेबिलिटी का पॉइंट समझा, जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां चेक करेंगे किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, अब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या देखेंगे EN रूल, यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये क्या करेंगे दोनों के बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, समझ में आ रहा है, ये कार्बन पे ऐसा प्लस चार्ज है, देखिए जरा समझ में आ रहा है, क्या इसका रेजोनेंस होगा, आया ना, कैसे, ये इधर लोन पेयर दे देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, आया ना स्टूडेंट, और ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट या सेकेंड, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, सेकेंड आर मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट, समझ में आ रहा है आप सबको, यहां रेजोनेंस की बात करूं तो होगा, हाँ नाइट्रोजन लोन पेयर है, इधर कार्बन पे प्लस है, समझ में आ रहा है, ये इधर ऐसा डबल बॉन्ड और ये इस तरह से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे प्लस, वंस अगेन टू इज मोर स्टेबल देन वन, समझ में आ रहा है, रीजन क्या होगा दोनों में, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, इतना गो थ्रू कर लीजिए। नाउ 7.7 कंजुगेटिंग सिस्टम, 6 डिस्कस कर लिए ना, ये लास्ट है, तो आज आपका कंजुगेटिंग सिस्टम के नॉर्मल रेजोनेंस सब खत्म हो जाएंगे, तो 7th वन इज नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट वैकेंट टी और, समझ में आ रहे हैं, अब उसमें पहला एग्जांपल मेरा जो होगा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते, जो भी फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड सेल में एलिमेंट कौन कौन होते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, समझ में आ रहा है, ये सब में डी सबसेल नहीं होते, समझ में आ रहा है, तो सेकेंड सेल में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, फर्स्ट सेल में एस होते हैं, सेकेंड में एस और पी होते हैं, थर्ड में एस पी डी, थर्ड सेल से डी आता है, तो जो भी सेकेंड सेल के एलिमेंट है उनमें डी होते नहीं, ये ध्यान में रखना आपको, तो जिसमें डी नहीं होगा उसमें रेजोनेंस होगा क्या, ये वाला नहीं, तो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट, CH2 माइनस यहां पे फ्लोरीन है, CH2 माइनस यहां पे क्लोरीन है, समझ में आया, अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस पढ़ाने से पहले क्वेश्चन कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो आंसर क्या है, क्लोरीन, बट क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में नो वैकेन डी ऑर्बिटल, नो वैकेन डी ऑर्बिटल,
क्या यहाँ डी ऑर्बिटल है? नहीं, तो इधर रेजोनेंस होगा, हम लिखेंगे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस कैसा होगा जरा ध्यान देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये निगेटिव है ना, फ्लोरीन के पास ऐसे तीन लोन पेयर भी होते हैं, तो ये इधर ऐसे डबल बॉन्ड बना दे। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया ये क्लोरीन निगेटिव, अब क्लोरीन क्यों ऐसा बॉन्ड बनाया, क्योंकि क्लोरीन थर्ड सेल का एलिमेंट है, वहां पे डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना सकता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एल, और ये क्लोरीन यहाँ पे ऐसे निगेटिव। समझ में आ रहा है आपको, और कोई रेजोनेंस बन सकता है? नहीं। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? 2RS, how many RS? 2RS। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो आप बोलेंगे क्लोरीन। अब यहाँ पे इंडक्टिव भी है, रेजोनेंस भी है, ये रेजोनेंस का इफेक्ट है और ये इंडक्शन का इफेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हो या कैटायन हो, सबसे ज्यादा प्रिफरेंस हम रेजोनेंस को देंगे फिर इंडक्टिव को देंगे। समझ में आ रहा है, तो इंडक्टिव का प्रिफरेंस यहाँ पे कम है, रेजोनेंस डोमिनेटिंग है और इंडक्टिव डोमिनेटिंग नहीं। समझ में आया, दैट्स व्हाई ये फ्लोराइड वाला जो है कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फ्लोराइड कार्बन, राइट। तो ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां सी एफ थ्री माइनस लिया, CCl3- लिया, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? हम ऐसे क्वेश्चंस को ना, मैं रहूंगा तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ओपन करूंगा, ये कार्बन, यहां फ्लोरीन, 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 कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन से फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या होगा, ओनली इंडक्टिव पे आया ना, यहां पे इसको ओपन करें स्टूडेंट, तो तीन तीन क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है कार्बन के निगेटिव से, तो यहां कितने रेजोनेंस होंगे? थ्री, एक तो ये है और तीन और, मतलब टोटल फोर बनेंगे, कितने बनेंगे? फोर। समझ में आ रहा है, तो यहां कितने आ रहे होंगे? फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? फोर। जैसे एक क्लोरीन पे इधर डबल बॉन्ड आएगा, वैसे इधर डबल बॉन्ड आएगा और एक इधर डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो देयर आर फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्लोराइड, क्योंकि चार चार रेजोनेंस हो रहे। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट की बात करें तो विच वन इज अ मोस्ट स्टेबल, तो हम बोलेंगे ये CCl3 कार्बन आयन इज अ मोस्ट स्टेबल। अब तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कार्बन है निगेटिव चार्ज, यहां CF3 थ्राइस है, कार्बन है निगेटिव चार्ज, यहां CCl3 थ्राइस है। अब मैं आपसे पूछूं दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे? तो वंस अगेन इनसे वही पुरानी बातें, पहले स्ट्रक्चर को ओपन करो और चेक करो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। कार्बन है CF3, यहां CF3, यहां पे भी CF3, ये कार्बन निगेटिव, इधर कार्बन है CCl3, CCl3, CCl3 और ये कार्बन निगेटिव। जरा देखेंगे इस कार्बन एनायन से कौन अटैच है, कार्बन या क्लोरीन? कार्बन। डायरेक्टली अटैच कौन है? कार्बन। इधर भी डायरेक्टली कौन अटैच है? कार्बन। कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं। क्या दोनों में रेजोनेंस होंगे? नहीं। अब रेजोनेंस नहीं है ना, तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इंडक्टिव। अब दोनों में किसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर है बोलो जरा? क्लोरीन ना, क्लोरीन का आई इफेक्ट ज्यादा कंपेयर टू क्लोरीन, तो यहां पे लिखूंगा मैं नो आरएस, इधर भी नो आरएस, तो स्ट्रक्चर कंपेयर बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो स्टेबिलिटी कंपेयर बाय इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है आपको, तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो जाएगा, फ्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोराइड, माइनस आई का पावर अगर बात करें तो किसका ज्यादा होता है? फ्लोराइड।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल और ये कम। जनरली क्या हो रहा था, फ्लोराइड वाला कम स्टेबल, क्लोरीन वाला ज्यादा ना, ये ज्यादा स्टेबल हो रहा था, समझ में आया। इधर भी ये क्लोराइड ज्यादा स्टेबल था, पर यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा। रीजन क्या था, दोनों में रेजोनेंस नहीं, तो क्या कंपेयर किया हमने इंडक्टिव। ये समझा आपको। एक और एग्जांपल, इसको भी सॉल्व करना है। ये CH2 माइनस है, राइट, यहां फ्लोरीन है, यहां CH2 माइनस है, क्लोरीन है। ये तो मैं इसको नीचे यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर, ए और बी दो स्ट्रक्चर लिया हुआ, राइट, CH2 माइनस यहां क्लोरीन है। इनके कितने, मतलब इन दोनों में सबसे पहले कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। रीजन क्या है, यहां पे ये A है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये माइनस तो इधर जाएगा, ये इधर घूमेगा, ऐसे कितने रेजोनेंस बनेंगे, फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। यहां कितने बनेंगे, यहां पे भी फाइव बनेंगे, हाँ, Q6। जैसे ये कार्बन यहां निगेटिव आएगा, इधर भी आएगा, राइट, पर इधर आएगा तो फ्लोरीन के पास वैकेंट ही नहीं है, पर फ्लोरीन के पास वैकेंट ही है या नहीं है, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, एक रेजोनेंस फ्लोरीन के साथ भी बनेगा, तो क्या हो जाएगा, सिक्स, यहाँ पे ओनली फाइव, तो यहाँ पे टोटल कितने रेजोनेंस होंगे, सिक्स RS। अब जिसका नंबर ऑफ RS ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगा या ज्यादा, होल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी पॉइंट पढ़ाया था ना रेजोनेंस में, तो अब दोनों में कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, फ्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे इंडक्टिव अप्लाई कर देता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, रॉन्ग ना, फ्लोराइड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता, फ्लोराइड को कम देता, समझ में आ रहा है। तो पहले रेजोनेंस भी देखेंगे और बाद में इंडक्टिव भी देखेंगे, बट रेजोनेंस अगर ज्यादा हो गया तो प्रेफरेंस उसको ही देना है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेंस कितने, सिक्स, यहाँ पे फाइव, तो मोर नंबर ऑफ RS मोर इज दी स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन समझा, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो A इज मोस्ट स्टेबल देन, सॉरी B इज मोस्ट स्टेबल देन A, क्योंकि A में पांच ही रेजोनेंस। अब इस टाइप के रेजोनेंस में कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई भी डाउट डिफिकल्टी किसी को भी। और एक पॉइंट यूज किया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर, इक्वल रेजोनेंस याद है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इक्वल RS क्या होता है उसकी बात करें, ध्यान देंगे। यहां मैंने साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन ले लिया, क्या ले लिया, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन को जब रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, अब ये डबल बॉन्ड को इधर ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। जब इधर लेके आया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, राइट, अब प्लस चार्ज किधर आएगा, समझ में आ रहा है या नहीं। अब तीसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ध्यान देंगे, ये पाई बॉन्ड में इधर ला सकता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, बोलो जरा, इधर। अब यहां तीन कार्बन थे और तीनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हियरिंग माय पॉइंट, एक ही पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे। इफ यू रिमेम्बर, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन था, थोड़ा याद करेंगे इसको, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रेजोनेंस बनाया था, तो यहां पे कहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था ड्यूरिंग रेजोनेंस, याद है आपको, एक ऑर्थो पे, दूसरा पैरा पे, और क्या इन दोनों पे आया था, नहीं, मेटा पे नहीं आया। क्या ये इक्वल रेजोनेंस होगा, नहीं, पर यहां तीन कार्बन है, तीनों रेजोनेंस में आ रहे हैं और तीनों के रेजोनेटिंग की जो पॉसिबिलिटी है सेम है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल RS, क्या बोलेंगे, इक्वल RS। यहाँ तीन ही रेजोनेंस है और यहाँ पे पांच बनते हैं,
और अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो आप क्या बताएंगे? इक्वल आर एस आर मोस्ट स्टेबल देन आर एस, तो कौन ज्यादा स्टेबल? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? कोई कंफ्यूजन? तो थ्री इक्वल आर एस, हाउ मेनी इक्वल आर एस? ये समझा? दूसरे एग्जांपल को ले रहा हूं मैं, इसका नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल इनाइल, इन है ना, डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपाइल इनाइल कार्बो कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल इनाइल कार्बो कैटायन। अब ऐसे स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, ड्रॉ नहीं करूंगा, इसका नेम है प्रोपोलियम कैटायन। क्या है? प्रोपोलियम कैटायन। इसको और एक नेम से बोलते हैं साइक्लोहेप्टा, हेप्टा मतलब साइक्लोहेप्टा ट्राई इन 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 ट्राई इन कार्बो कैटायन, साइक्लोहेप्टा ट्राई इन कार्बो कैटायन, ट्राई इनाइल कार्बो कैटायन। समझ में आया? निम्न में इनाइल आएगा, ट्राई इनाइल कार्बो कैटायन, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसका स्टैंडर्ड नेम है ट्रोपोलियम कार्बो कैटायन। इसके कितने रेजोनेंस होंगे कोई बताएगा? कितने बनने चाहिए? सेवन। हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसको बोलूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्योंकि यहाँ सेवन इक्वल आर एस, यहाँ तो ये आर एस ड्रॉ करना है, कर पाएंगे हम? इसका लॉजिक समझेंगे पहले। ये एक ड्रॉ किया ना, दूसरे वाले रेजोनेंस में ना इधर या इधर किधर भी जा सकते हैं, इधर डबल बॉन्ड आया तो देखेंगे अल्टरनेट पे आ रहा है, फिर सब एक पूरा ऐसा सर्कल हो जाएगा, समझ में आया? तो ये इधर आया, फिर अब ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, अब इधर आया ना, तो ये इधर डबल बॉन्ड बन चुका है। अब क्या करेगा? ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ पे बन गया, अब फिर से ये इधर इधर इधर, ये पूरा राउंड क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे टोटल कितने आर एस बनेंगे? ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, सेवन इक्वल आर एस बनने चाहिए। एक और आर एस के एग्जाम्पल है इक्वल आर एस के, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अपने हाइड्रोजन को लॉस करता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन? कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में जो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं देखेंगे। ये कार्बन sp2 है, ये तो है नहीं, ये आएगा नहीं, ये पाई बॉन्ड इधर ऐसे डबल बॉन्ड बनाए, निगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड। अब यहां जैसे एक बॉन्ड बना तो कार्बन की वैलेंसी पाई ना, तुरंत ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, समझा? अब यहां पे क्या बनेगा? आर सी ओ माइनस इधर डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों के बीच में ही रेजोनेंस हो रहा है, राइट? और दोनों यहां पे क्या हो रहे हैं? निगेटिव चार्ज बना रहे, तो ये कौन से आर एस का एग्जाम्पल है? टू इक्वल आर एस, कितने इक्वल आर एस? टू इक्वल आर एस, सुन रहे हैं? तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सल्फोनेट आयन का, सल्फोनिक एसिड होते हैं राइट, ये सल्फोनेट आयन हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया ना तो ऑक्सीजन माइनस। अब यहाँ कितने आर एस बनेंगे बोलो जरा? थ्री, ये इधर डबल बॉन्ड ना, ये डबल बॉन्ड इधर निगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे कितने बनेंगे? थ्री इक्वल आर एस, हाउ मेनी इक्वल आर एस? थ्री इक्वल आर एस। अब मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट कि कार्बोक्सिलेट आयन और सल्फोनेट आयन में कौन ज्यादा स्टेबल, समझ में आया? तो इन दोनों की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो यहां पे अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, या तो मैं ऐसे ही लिखूं आर एसओ थ्री माइनस आर मोस्ट स्टेबल देन आर सी ओ ओ माइनस, समझ में आ रहा है आपको? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? तो ये भी पॉइंट ध्यान देंगे, इक्वल आर एस भी पढ़ा दिया आपने, ये भी ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।